सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि हमने गोल्ड चुरा लिया है, तो अब हम चलते हैं फ्रैंकलिन के घर और आपको दिखाते हैं कि फ्रैंकलिन ने उस गोल्ड के साथ कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हैं और क्या क्या किया है उस गोल्ड के साथ। सबसे पहले तो यार मर्सिडीज देख ही सकते हैं, तो इसमें मैंने डायमंड रैप कराया, गोल्ड रैप करवा के फुल मॉडिफाई किया है इस गाड़ी को। तो हमने अब हम चलते हैं, आपको दूसरी गाड़ियाँ भी दिखाता हूँ मैं, क्या क्या किया है मैंने गाड़ियों के साथ और कौन सी गाड़ी मैंने खरीदी हैं उस गोल्ड को चुराने के बाद। तो लेट्स गो। तो बस अब हम पहुँचने वाले। तो ये क्या भाई साहब, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों खड़ी हुई है? ये आर्मी आई रखी है यहाँ पर, यहाँ पर चोरी हो रही है। देखते हैं हुआ क्या है आगे, में हुआ है क्या हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि उनको हमारे गोल के बारे में पता चल गया है। और भाई साहब, ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ आए हमारे घर पर वेट मारने के लिए, और अभी तक इनको शक नहीं हुआ है कि ये मैं ही हूँ इस गाड़ी में, क्योंकि मैंने इस गाड़ी की शक्ल जेट कराए हैं। अब हमें किसी भी तरह अपना गोल बचाना पड़ेगा इनसे, क्योंकि हमारे घर पर रख चुकी है वो। अब इस काम के लिए हमें मार्टिन को कॉल करना पड़ेगा और मार्टिन को बोलना पड़ेगा कि वो हमारे गोल की इस तरह निकाल ले। तो कॉल करते हैं अभी माइकल को और देखते हैं कि माइकल हमारी से क्या मदद कर सकते हैं। अब मैंने माइकल को कॉल करके सब कुछ बता दिया है। तो आप देख सकते हैं माइकल आ चुका है अपनी लेबोरेटरी में पुलिस रैप करवा के, ताकि पुलिस को शक ही ना हो कि ये कौन है, और ताकि पुलिस को लगे कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है और इसको आसानी से अंदर करने के लिए। चलते हैं अभी अपना हमारे घर की तरफ और देखते हैं कि माइकल हमारे गोल रिकवर करवा सकता है कि नहीं। देखते हैं, अब हम पहुँच चुके हैं और अभी तक किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया है लाइक है हमको। चलते हैं अंदर की तरफ गाड़ी पार्क करके, फिर देखते हैं क्या सीन है अंदर अंदर, कितनी सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं है। भाई जैसा कि आपको भी मैंने बताया था, जैसे गाड़ियाँ खरीदी हैं, तो अब हम चलते हैं कार कलेक्शन देखते हैं कि क्या क्या गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो यहाँ पे फ्लाइट खरीदें और यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह भी आए हुए हैं, क्योंकि रेड है हमारे घर पे, तो ये गोल गोल सारा बाहर निकाल के हमारे फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। हम चलते हैं अंदर की तरफ और एक बार अंदर से चक्कर मार के आते हैं, ताकि इन लोगों को लगे कोई असली में पुलिस इंस्पेक्टर आए चेकिंग वगैरह करने के लिए। तो चेक करते हैं अभी हम, थोड़े गाने करते हैं। मुझे लगा कि वहाँ पे सब कुछ चला तो कोई था नहीं, थोड़ा कवर में चला था। अभी चलते हैं, अब चलते हैं बाहर की तरफ और इनसे मैं बाहर जाकर बोलूँगी कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि तुम ये गोल्ड का ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचो। तो देखते हैं इनको शक होता है कि नहीं, और हम बैठते हैं ट्रक के अंदर। और ये पुलिस पड़ चुकी है, इनको शक हो चुका है, ठीक है। अब हमें भागना पड़ेगा यहाँ पर बगैर किसी हंगामा किए हुए, ताकि हम ये गोल का ट्रक। तो चलते हैं गाड़ी और देखते हैं कि माइकल क्या कर सकता है, या बस्टेड हो जाएगा माइकल। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मेन रोड से जाने में तो हम फंस जाएंगे, तो क्यों ना हम ऑफ रोड से चलते हैं। इस ट्रक में पावर तो बहुत है भाई, तो मसला तो नहीं है पावर का, तो चलते हैं इसको। और अभी पुलिस भी हट चुकी है, क्योंकि हम इस तरफ आ चुके हैं, पुलिस को भी अभी पता नहीं है कि ट्रक कहाँ गायब हो गया है। तो देखते हैं गाइस क्या हम, ओ भाई ये ट्रक ही गलती हो गया, मुझे तो लग रहा है ट्रक फट जाएगा, मगर नहीं, ये ट्रक बुलेट प्रूफ है तो इसको कुछ होगा नहीं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं रोड की तरफ और निकालते हैं उस ट्रक को। तो भाई जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था ना, कि पुलिस कैसे छुपवाएंगे, तो पुलिस को तो हमने हटा दिया, अब हमें टेंशन नहीं है। बस अब हम किसी भी तरह इस ट्रक को ले जा के माइकल के घर पर सेफ कर देते हैं, और फिर हम आकर। तो बस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं और हम पार्क करेंगे ये माइकल के गैराज में। अगर हमने माइकल के घर पर पार्क किया तो पुलिस को कहीं से रिपोर्ट मिल गई, तो ये माइकल के घर पर भी रेड लग सकता है, इसलिए हम उसको सेफली पार्क करेंगे माइकल के गैराज में। तो चलते हैं माइकल के गैराज में। तो बस अब हम पहुँच भी गए हैं माइकल के गैराज की तरफ, तो इसको पार्क करते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो पुलिस पड़ी नहीं पीछे, मुझे लग रहा था कि पुलिस शायद फिर से पीछे पड़ जाएगी, बट किसी को शक हुआ नहीं। सबको यही लग रहा है कि हम पुलिस वाले ही हैं और ट्रक को कहीं लेकर जा रहे हैं।
गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फाइनली अब हमने पहुंचा दिया इसको माइकल के गैराज में। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको इसका एक और पार्ट देखना है, देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस वीडियो को। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।